लर्निंग एंड सोशलाइजेशन. सो हम स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सोसाइटी. व्हाट इज सोसाइटी? अब सोसाइटी बेसिकली क्या चीज है? फैज, मैं अगर आपसे पूछूं कि सोसाइटी की डेफिनेशन क्या है, तो सोसाइटी की जो डेफिनेशन है वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. आप मुझे कुछ एंगल से डिफाइन करेंगे कि सोसाइटी क्या होती है. आप अपने घर में किसी से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सोसाइटी क्या होती है, या आप किसी फ्रेंड से, अपने किसी टीचर से. हर किसी की जो डेफिनेशन है रिगार्डिंग सोसाइटी वो चेंज होगी. ठीक है, इट्स अ सिंपल कंसेप्ट. अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे थोड़ा सा ब्रॉडर परस्पेक्टिव से मैं पूछता हूं कि हम कहते हैं कि दिस इज पाकिस्तानी सोसाइटी, दिस इज इंडियन सोसाइटी, दिस इज ब्रिटिश सोसाइटी. अब हम पाकिस्तानी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटीज कह रहे हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. हमारे माइंड में जो पहली चीज चल रही होती है वो चल रही होती है हमारा कल्चर. फिर अगर आप ब्रिटिश के साथ कंपैरिजन करेंगे तो आपकी स्किन कलर से लेकर आपकी लैंग्वेज, आपकी ड्रेसिंग, हर चीज में आप कंपैरिजन करेंगे तो आप कहेंगे कि दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स दिस इज पाकिस्तानी सोसाइटी एंड दिस इज ब्रिटिश सोसाइटी. ठीक है, अब बेसिकली सोसाइटी होती क्या है, या हम डिफाइन कैसे करते हैं? इट्स अ वेरी इजी थिंग्स. मैं आपको मिक्स लेके चलूंगा इन इंग्लिश एंड उर्दू. ठीक है, तो आपके लिए भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि कौन सी एग्जैक्ट टर्म्स हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो व्हाट इज सोसाइटी? सोसाइटी इज समथिंग इन कॉमन विद अदर्स इन देयर सोसाइटी, एंड यू कैन से दैट पीपल सी देमसेल्व्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम पीपल इन अदर सोसाइटी. आप सोसाइटी को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? फैज, इन इजी वर्ड्स, you will see that who you are and you will see that how other people looks like. agar wo aap ki tarah dikhte hain to you would say that this is a same society. ab aap ki tarah kaise dikhte hain? agar wo aap ki tarah hi same language use kar rahe hain, what i am saying, agar wo same language use kar rahe hain, agar unka food same hai, agar inki dressing same hai, to we might say ki we belongs to सिमिलर सोसाइटी. ऐसी बात है फैज? जी सर, इसी तरह. अब होता क्या है कि हम सोसाइटी को एक्सप्लेन करने के लिए दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं. नंबर वन, फिजिकल स्पेस. एक हमारे पास है फिजिकल स्पेस, एक होती है हमारे पास मेंटल स्पेस. अब फिजिकल स्पेस क्या है? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप फैजाबाद तक आते हैं तो आप कहते हैं फैजाबाद की दूसरी तरफ इस्लामाबाद की सोसाइटीज है और इस तरफ रावलपिंडी की सोसाइटीज है. आप ऐसी किसी जगह पे स्टैंड करके कहते हैं कि यहां से, चूंकि ये बॉर्डर है तो बॉर्डर की उस तरफ इंडियन सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है, यहां से पाकिस्तानी सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है. अब आपने जो सोसाइटी एक्सप्लेन की है ये दो तीन टर्म्स के अंदर, आपने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्पेस in the sense of distinctive geographical area marked by other physical border such as river. ठीक है, या जो आपने कोई भी लाइन मार्क की है, हम इसको बोलते हैं फिजिकल स्पेस. ठीक है, आपने एक फिजिकल एक लोकेशन देखकर आपने कहा इस तरफ जो लोग रहते हैं वो फलां सोसाइटी के हैं, इस तरफ रहने वाले फलां सोसाइटी के हैं. यहां तक बात समझ आ रही है कि फिजिकल स्पेस में हम कैसे डिसाइड करते हैं कि सोसाइटी क्या है? जैसे वो जो पंजाब में पंजाबी रहते हैं, केपीजे में. हाँ, अब आप होता कि आप बॉर्डर पे खड़े होकर जब ये बात करते हैं तो इसका मतलब है आप फिजिकल लोकेशन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं कि इस एरिया से दूसरी तरफ रहने वाले फलां लोग हैं और इस एरिया से दूसरी तरफ रहने वाले फलां लोग हैं. अब हम ये जो सोसाइटी डिफाइंड की है, वी बेसिकली डिफाइंड इट ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्पेस. अब दूसरी तरफ हमारे पास मेंटल स्पेस. हम मेंटल स्पेस में सोसाइटीज कैसे बनाते हैं? विच सेपरेट पीपल बेस्ड ऑन द बिलीव्स. अब आप क्या कह रहे हैं? अब आप देख रहे हैं बिलीव्स, लोगों के बिलीव्स या लोगों के आइडियाज. अब जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दूसरी तरफ सऊदीया की सोसाइटी और इस तरफ फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं हमारी पाकिस्तानी सोसाइटीज हैं. ये तो आपने मुझे फिजिकल स्पेस बता दी, फिजिकल आपने एक जियोग्राफिकली
एक लैंड के हिसाब से आपने मुझे सोसाइटी बना दी। जब आप मेंटल स्पेस की तरफ आते हैं तो आप क्या कहते हैं कि इन लोगों के बिलीफ चूंकि सिमिलर हैं, सो ये एक कम्युनिटी बन गई या ये एक सोसाइटी बन गई। जैसे आप हज पे जाते हैं सारे, तो आप कहते हैं ये एक एक मुसलमानों की एक सोसाइटी है, इट्स अ मुस्लिम सोसाइटी। अब मुस्लिम सोसाइटी आप किस बेस पे कह रहे हैं? आप कह रहे हैं बिलीफ के बेस में, बेस्ड ऑन द रिलीजन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि हम सोसाइटी को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? जी सर। गुड। अच्छा, अब मैं आपके सामने एक एक राइटर का एक डिस्कशन करता हूं। द राइटर नेम इज एंडरसन। अब एंडरसन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इट्स 1983, ये कहते हैं कि सोसाइटीज आर इमेजिन्ड कम्युनिटी, सोसाइटीज आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज। इमेजिन कम्युनिटीज क्या है? कि थिंग्स दैट एग्जिस्ट ओनली इन माइंड। अब आपके माइंड में जो चीज एग्जिस्ट करती है आप कहते हैं कि यही सोसाइटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास में बैठे होते हैं, अब क्लास के अंदर डिफरेंट कल्चर्स के लोग आएंगे। अब हो सकता है कि आपकी लैंग्वेजेस लैंग्वेज है वो भी एक जैसी ना हो, आप लोगों की ड्रेसिंग भी एक जैसी ना हो, बट कुछ लोग कहते हैं कि दैट्स क्लास इज लाइक अ सोसाइटी, ये हमारी एक सोसाइटी है। आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपके गली में मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, अब मान लें वहां पे कुछ इंग्लिश पीपल भी रहते हैं, चाइनीज भी रहते हैं, तो हर किसी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है या हर किसी का अपना जो वे ऑफ लाइफ है वो टोटली डिफरेंट है। तो अब हम अगर उनको सोसाइटी बोल रहे हैं तो हम उनको सोसाइटी क्यों बोल रहे हैं? वाई? बिकॉज दिस इज इमेजिन्ड। आप जिस चीज को इमेजिन कर सकते हैं आप उसको सोसाइटीज कह सकते हैं। अब कैसे कह सकते हैं? एंडरसन कहते हैं कि इमेजिन कम्युनिटीज दैट एग्जिस्ट ओनली इन आवर माइंड। जैसे कैसे चीज माइंड में आती है हमारे? हमने कहा एक फिजिकल स्पेस है, एक मेंटल स्पेस है। फिजिकल हम जियोग्राफिकली कुछ एरिया को डिवाइड करके कहते हैं, इस एरिया में जितने लोग रहते हैं, जैसे अब इंडिया की एक जियोग्राफिकल हम जितने भी लोग इंडिया की जियोग्राफी में आएंगे हम कहेंगे इट्स इंडियन सोसाइटीज, और अगर जो पाकिस्तानी जियोग्राफिकल पाकिस्तानी लैंड में आएंगे, पाकिस्तानी बॉर्डर्स में आएंगे, हम कहेंगे इट्स पाकिस्तानी कम्युनिटी। एक कम्युनिटी वो होती है जिसको हम मेंटल स्पेस के ऊपर डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द बिलीव्स। जिन लोगों के सेम बिलीव्स होते हैं हम उनको एक सोसाइटीज बोल देते हैं, हम उनको एक कम्युनिटी बोल देते हैं। अब एंडरसन ने इसके ऊपर एडिशंस की, वो कहते हैं कि सोसाइटीज आर इमेजिन्ड कम्युनिटीज। इमेजिन कम्युनिटी क्या है? दैट एग्जिस्ट ओनली इन आवर माइंड। अब जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल्स दी, एक फिजिकल स्पेस एक मेंटल स्पेस, तो आप मुझे ये भी कह सकते हैं कि नहीं सर हम इन चीजों को भी सोसाइटीज का बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही स्ट्रीट के अंदर मैंने आपसे बोला कि मुख्तलिफ किस्म के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज के लोग आए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी लेफ्ट साइड का घर में कोई कुछ इंग्लिश पीपल रहते हैं, आपकी नेक्स्ट साइड पे कुछ क्रिश्चियन लोग रहते हैं, दरमियान में आप मुस्लिम। अगर आप कहते हैं कि वी आर अ सोसाइटी, तो इसका मतलब है सोसाइटी इट्स अ इमेजिन थिंग। जो चीज आप सोच सकते हैं, जो चीज आप एक्सेप्ट करते हैं आप उसको सोसाइटी बोल सकते हैं। मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल आप अपनी स्ट्रीट में ये जो जानवर हैं आप इन जानवरों को ना आने दें, आप इनको शूट कर दें, तो आप कहेंगे नहीं सर दिस इज नॉट पॉसिबल, इनको भी रहने का उतना ही हक है जितना कि एक आम इंसान को है, तो ये कहीं भी घूम सकते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अब ये जो आपने डेफिनेशन निकाली है दे आर द पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी, इसका मतलब है आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, ये जो चीज आपके माइंड में आती है आप उसको सोसाइटी कह सकते हैं। अब आपकी सोसाइटी में कौन कौन है? आपकी सोसाइटी में आप सिर्फ ये नहीं कह सकते मेरी सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिम ही आएंगे, आपकी सोसाइटी में कुछ और रिलीजन के भी लोग आ सकते हैं,
कुछ लोग होते हैं जो किस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ लोग होते हैं जो किस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसी बात है। जी सर, इसी से अभी हमने क्या वर्ड यूज किया, हमने कहा इमेजिन कम्युनिटीज, जो चीज आप इमेजिन कर सकते हैं दैट्स बिकम योर सोसाइटी। गेटिंग माय पॉइंट? फैज आपको बात समझ आ रही है? ये आ रही है सर। गुड। अच्छा अब होता क्या है, अब इमेजिन है चूके, तो इसका मतलब है हमने कोई चीज डेवलप की है, हमने कोई चीज कंस्ट्रक्ट की है। हमने क्या किया, कोई चीज कंस्ट्रक्ट की है। सो सोसाइटीज आर मेंटली कंस्ट्रक्टेड। मैं अगर ये वर्ड यूज करूं कि सोसाइटीज आर मेंटली कंस्ट्रक्टेड, सो व्हाट यू से कि सोसाइटीज वो है जो हमारे दिमाग में है। अगर जी एक चीज हमारे माइंड में नहीं है हम उसको सोसाइटी नहीं कह सकते। जैसे मैं एक छोटा सा एक LGBTQ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि फैज क्या आप ऐसी सोसाइटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जहां पर मेल मेल के साथ मैरिड करे और फीमेल फीमेल के साथ शादी करे, वुड यू एक्सेप्ट दैट? नहीं सर, अब आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे, क्यों? क्योंकि आपकी इमेजिनेशन के अंदर आप ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। अब वो अब आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, इसमें आप, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाई, आप मुझे कोई ना कुछ पर्सपेक्टिव अपने रिलीजन का देंगे, कुछ ना कुछ पर्सपेक्टिव आप अपने कल्चर का देंगे, ऐसी ही है। जी सर, इसी तरह। अब अगर आप किसी और सोसाइटी में चली जाएं तो हो सकता है वहां पर ये चीज एक्सेप्टेबल हो, ऐसी है। इसी तरह वो इसको सपोर्ट करने के आपको आर्गुमेंट्स देंगे। अब मेंटली जी कंस्ट्रक्टेड क्या है कि जैसा आपने अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट किया है वैसा ही उन्होंने अपने माइंड को कंस्ट्रक्ट किया है, तो उनकी कंस्ट्रक्शन की जो मेंटली कंस्ट्रक्शन है, दे डिफाइन द सोसाइटी अकॉर्डिंगली। आपकी जो मेंटली कंस्ट्रक्शन है, यू आर डिफाइनिंग सोसाइटी अकॉर्डिंगली। यहां तक आप एग्री करते हैं? जी सर, अच्छा अब हम देखते हैं कि मेंटली कंस्ट्रक्शन जो हमने की है क्या ये रियलिटी में भी ऐसी चीज है या नहीं है। मेंटल कंस्ट्रक्शन, या आप कह सकते हैं मेंटली, चूंकि हमने सोसाइटी डेवलप की है तो व्हाट वी से है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। आप इसको साथ साथ नोट भी करते जाइएगा ताकि मैं जो चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको याद रहे, ठीक है। ठीक है। अब सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, हमने जो भी चीज एक्सप्लेन किया, क्या जो सोसाइटी हमने एक मेंटली तौर पे कंस्ट्रक्ट की है, क्या रियलिटी में भी ये चीज है या नहीं है। अच्छा इस चीज को एक्सप्लेन करने से पहले फैज हम जाते हैं कि व्हाट इज कल्चर, इसकी तरह हम बाद में आते हैं ताकि हमें हमारी जरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए। व्हाट इज कल्चर? कल्चर होता है वे ऑफ लाइफ, इजी वर्ड, वे ऑफ लाइफ। हेलो फैज आपको आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके okay. कल्चर क्या है? वे ऑफ लाइफ। और आप कहां से सीखते हैं? जब आप इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। जब आप क्या करते हैं, इसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। वो इंटरेक्शन कैसे होती है? वो होती है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अच्छा अब प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है? फैज मैंने आपको इनिशियल क्लास में बताया था कि जब भी कोई इंसान पैदा होता है ना तो उसका इंटरेक्शन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। जो पहला इंटरेक्शन किसी भी इंसान का होता है वो होता है उसकी फैमिली के साथ, ठीक है। अब फैमिली के साथ जब जी आपका इंटरेक्शन होता है तो फैज आप फैमिली से ना कुछ बेसिक चीजें सीखते हैं, जैसे सर, लैंग्वेज, जैसे आपने अपनी सिस्टर के साथ या अपने ओपोजिट जेंडर के साथ कैसा बिहेव करना है, ऑल दीज मटेरियल आप कहां से सीखते हैं? ये आप सीखते हैं अपनी फैमिली से। यहां तक ओके? जो पहला जो इंटरेक्शन आपका जिस चीज के साथ होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन, जो इनिशियल आपका इंटरेक्शन है। अच्छा इसके बाद हमारे पास जो आफ्टर प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिस चीज के साथ भी आप इंटरेक्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप फैमिली के बाद आपका इंटरेक्शन होगा आपकी सोसाइटी के साथ। आप सोसाइटी में कौन कौन आएंगे? आपके फ्रेंड्स फैमिली के बाद ही आएंगे ना, ऐसी है। जी सर, अच्छा ऐसे फैमिली के बाद हो सकता है आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाएं,
आप वर्क प्लेस पे जाएं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप रिलीजन के साथ इंटरेक्ट करेंगे, फैमिली आपको बताएगी कि आपका रिलीजन कौन है, ठीक है। अब होता क्या है, हमने बोला कल्चर, तो कल्चर क्या है, वे ऑफ लाइफ एंड यू लर्न थ्रू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब होता क्या है कि जो आपका वे ऑफ लाइफ है, जैसे आप जिंदगी गुजार रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप शलवार कमीज पहनते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, ठीक है। अब ये आपने ये चीजें, ये आपका एक लिविंग स्टाइल है, ये चीजें आपने कहां से सीखी हैं, आपने सीखी हैं फैमिली से और सोसाइटी से, और कहां से सीखी हैं, रिलीजन से, ऐसी बात है। सर ऐसे ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आपका कल्चर, आप अपने कल्चर को सीखते हैं, जब आप इंटरेक्ट करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में, तो हमने एक बात की थी सोशल कंस्ट्रक्शन, तो सोशल कंस्ट्रक्शन आती कहां से है? ये जो मैं क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं, ये आपने अपने माइंड में रखने हैं, बिकॉज एट द एंड आपको इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि सोशल कंस्ट्रक्शन असल में रियलिटी है कौन सी, ठीक है। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा आगे मूव कर रहा हूं। कल्चर को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है मटेरियल कल्चर, एक होता है नॉन मटेरियल कल्चर। अब मटेरियल कल्चर क्या है, मटेरियल नाम से पता चल रहा है, समथिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल किसी सोसाइटी में, किसी कल्चर में फैज अगर एडवांस लेवल की गाड़ियां यूज होती हैं, एडवांस लेवल के मोबाइल फोन या एडवांस लेवल की आईटी के इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा एडवांस्ड सोसाइटी है, ऐसी है। क्या आप ये कह सकते हैं कि इनके पास बहुत ज्यादा स्किल्स हैं, क्योंकि ये चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप अमेरिका का और पाकिस्तान का कंपैरिजन करेंगे, तो वहां पर आपको ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें मिलेंगी, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि उनके पास स्किल्स बहुत ज्यादा है, उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है। और ये चीज आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देखकर, गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। इसको हम बोलते हैं मटेरियल कल्चर। अब नॉन मटेरियल कल्चर कौन सा है, आप किसी सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स। अब बिलीव्स को आप कह सकते हैं रिलीजन, समझ रहे बात? कल्चर की समझ आ गई, कल्चर की कौन सी दो डेफिनेशन है, एक है मटेरियल कल्चर और एक है नॉन मटेरियल। मटेरियल कल्चर क्या है कि आपको कल्चर, जब आप किसी का देखते हैं, आप कहते हैं ये कल्चर बहुत एडवांस लेवल का है। आप देखते हैं जब आप उनकी कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जैसे कार्स हो गई, जैसे कोई लैपटॉप्स हो गए, जैसे मोबाइल फोन हो गए। और जब आप नॉन मटेरियल कल्चर में आते हैं, तो आप किसी सोसाइटी को या किसी कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिलीव्स, एंड दिस इज नोन एज, दैट कुड बी रिलीजन। मैं यहां पर एक और राइटर का इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं आपको, आपने राइटर्स को मस्ट याद रखना है कि इनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं, और वो राइटर हमारे पास मर्टन 1957। अब ये क्या कहते हैं, मर्टन कहते हैं कि जो कार्स या हाउस वगैरह हैं, ये दो हिसाब से फंक्शंस करते हैं, ऑल द ऑब्जेक्ट्स वर्क इन टू वे, दो वे में वर्क करते हैं। नंबर वन, जिसको हम बोलते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन। अब मैनिफेस्ट फंक्शन क्या है, मैनिफेस्ट फंक्शन होता है द पर्पज फॉर विच दे एग्जिस्ट, पर्पज फॉर विच दे एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं क्लॉथ्स फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, फैज फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है। जी सर, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। अब क्लॉथ्स में आपसे पूछूं कि क्लॉथ्स क्यों यूज होते हैं, इनका पर्पस क्या है, तो आप कह सकते हैं फंक्शन टू कीप यू वॉर्म, कीप यू वॉर्म। आप सर्दियों में
मोटे कपड़े क्यों पहनते हैं? ताकि आप अपनी बॉडी को गर्म रख सकें। अब ये तो आपने मुझे इसका मैनिफेस्ट फंक्शन, इसका ओरिजिनल फंक्शन बता दिया कि ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं। अब जो अगला फंक्शन वो बताते हैं, वो कहते हैं एक और फंक्शन जिसको हम बोलते हैं लेटेंट फंक्शन। अब लेटेंट फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं हिडन। क्या होते हैं? हिडन। हिडन अब हिडन है, अब होता क्या है कि आप सोसाइटीज को कोई चीज दिखाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेटस। अब आप स्टेटस क्या दिखाना चाहते हैं? आप स्टेटस दिखाना चाहते हैं ताकि आपकी सोसाइटी को पता चले कि हु यू आर। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर आपके पास, आप अगर आप बड़ी गाड़ी रखते हैं, ठीक है, या आप अच्छा मोबाइल फोन रखते हैं, आप क्यों रखते हैं? अब नॉर्मली आप मैक्सिमम लोगों से पूछें तो इस वजह से क्योंकि आजकल ट्रेंड है। आप लोगों को दिखाते हैं आई एम अ गुड पर्सन, आई एम अ रिच पर्सन, तो आप महंगे या एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारे कल्चर का एक पार्ट। अब हमने दो कल्चर्स पढ़े थे, जो मटेरियल कल्चर में, मटेरियल कल्चर्स हमने कहा कार्स ऑब्जेक्ट्स देखकर आप कहते हैं कि वहां की सोसाइटी काफी ज्यादा स्किल्सफुल है, ठीक है, या ज्यादा नॉलेज रखने वाली है। जी तो सर मार्टन ने कहा कि नहीं, इसके और भी फंक्शन हो सकते हैं। एक मैनिफेस्ट फंक्शन, एक तो रीजन के वाई दे एग्जिस्ट, और अदर ये होता है कि जरा दूसरों को दिखाने के लिए भी लोग जो हैं वो इसको क्या करते हैं, इसको यूज जी करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर। अब हम डिस्कशन जिसके ऊपर कर रहे थे वो थी हमारे पास सोशल कंस्ट्रक्शन। क्या थी? सोशल सर कंस्ट्रक्शन, कि सर हमने जो सोसाइटी मेंटली तौर पे कंस्ट्रक्ट की थी, क्या वो रियलिटी में क्या है? अब इस तरह से है कि फैज, आपको पहले तो अंडरस्टैंड करना होगा कि सोशल कंस्ट्रक्शन को हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे। तो एक चीज याद रखिएगा, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। आप परसेप्ट या आप परसीव कैसे करेंगे? आप परसीव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर कल्चर, योर बिलीफ, योर बेसिक बिलीफ्स, ठीक है, जिसमें आप रिलीजन भी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक यू आर परसीविंग द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ योर कल्चर, योर बेसिक बिलीफ, लाइक यू कैन काउंट इट रिलीजन रादर देन समथिंग दैट नेचुरली एग्जिस्ट, दैट नेचुरली नेचुरली एग्जिस्ट। अब आप क्या करते हैं, आप उस चीज को इस तरह से नहीं देखेंगे कि वो नेचुरली क्या चीज ऐसी एग्जिस्ट करती है, नहीं, आप क्या देखेंगे, आप जब भी कोई चीज परसीव करेंगे, आप परसीव करेंगे अपने मेंटल स्टेट के ऊपर, और वो मेंटल स्टेट का सपोर्टिव मटेरियल क्या होगा? रिलीजन और आपका कल्चर। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या ऐसी सोसाइटी में रहना पसंद करेंगे जहां पर फीमेल फीमेल के साथ शादी करती हो, मेल मेल के साथ करता हो, तो आपने कहा नो। अब मैं आपसे पूछूं व्हाई, तो आप मुझे अपने कल्चर्स के आर्ग्यूमेंट्स देंगे, आप अपने बेसिक बिलीव्स देंगे, आप रिलीजन को इन्वॉल्व करेंगे, यही आर्ग्यूमेंट्स आपके पास होंगे फैज। जी आप सर यही आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगर आप किसी यूरोपियन सोसाइटीज में चले जाएं तो आपको पता है वो इस चीज को डिफेंड भी करेंगे कि एवरी पर्सन हैज इट्स एवरी पर्सन हैज देयर ओन राइट्स, इफ दे वांट टू लिव विद अ मैन, इफ दे वांट टू लिव विद अ वुमेन, इफ दे हैव अ डिजायर दे कैन डू एनीथिंग दे वांट। तो वो आपको अपने पर्सपेक्टिव से क्या देंगे? वो आपको अपने पर्सपेक्टिव से आर्गुमेंट्स देंगे। अब वो भी अपने पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं, आप भी अपने पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं, तो ये आपने एक सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर ली। तो सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है कि आप जब भी किसी फिनोमेना को ऑब्जर्व करते हैं, आप उसको नेचुरली एंगल से नहीं देखते, आप उसको देखते हैं अपने एंगल से। तो जब भी आप किसी चीज को अपने एंगल से देखते हैं तो आप क्या करते हैं, आप वहां की सोसाइटी को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब चूंकि आप भी एक सोसाइटी की डेफिनेशन रखते हैं, मैं भी एक सोसाइटी की डेफिनेशन रखता हूं,
इसी तरह किसी और रिलीजन का बंदा भी सोसाइटी की डेफिनेशन रखता है। अब होगा क्या कि हर किसी की सोसाइटी की डेफिनेशन चेंज होगी, और अगर आप एक दूसरे की सोसाइटी की डेफिनेशन में देखने जाएंगे तो वहां की सोसाइटी भी डिफरेंस होगी, फैज हमारी भी सोसाइटी डिफरेंस होगी। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी को अपने अपने एंगल से डिफाइन करते हैं और फिर हम वैसी ही लाइफ गुजारते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज अ नेचुरल फिनोमेना। हम नेचुरल फिनोमेना को इग्नोर कर देते हैं जब भी हम सोसाइटी को सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। यहां तक कोई मसला? नहीं सर। ठीक है, इजी है? जी सर। ओके अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको आगे लेके चलूंगा। अब सोसाइटी बेसिकली होती क्या है? मैंने आपको स्टार्ट में एक एक वर्ड बोला था कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आप एक क्लास में बैठे हैं, मान लें कि आपकी क्लास में सिर्फ एक आप मुस्लिम है, बाकी कोई मुस्लिम नहीं है, हर किसी का अपना रिलीजन है, हर किसी की अपनी लैंग्वेज है, और इवन हर किसी का अपना ड्रेसिंग सेंस है। तो फैज मुझे आप ये बताएं कि क्या आप ये इस एक क्लास में बैठे हैं तो क्या आप उसको सोसाइटी कह सकते हैं? जी सर। फैज आप उसको सोसाइटी नहीं कह सकते, ठीक है, आप उसको ग्रुप तो कह सकते हैं, लाइक इट्स अ क्लासरूम, आप उसको सोसाइटीज नहीं कह सकते। मैंने आपसे बिल्कुल स्टार्ट में अगर आप देखें तो मैंने आपसे कहा था कि हम सोसाइटीज को कैसे डिफाइन करते हैं, हम सोसाइटीज को कहते हैं, डिफाइन करते हैं सिमिलर लैंग्वेज, सिमिलर फूड एंड सिमिलर ड्रेसिंग। जी सर। ठीक है, जो चीजें कॉमन है आप में और आपके सामने रहने वाले लोगों में, तो आप कह सकते हैं कि दैट्स बिकम आवर सोसाइटी या दैट्स बिकम सोसाइटी। लेकिन किसी जगह पर जहां पर कॉमन चीजें नहीं होंगी वो सोसाइटी नहीं होगी। समझे बात? जी सर, जी समझ, यहां तक समझ आ गई बात की। अच्छा, अब क्या होता है कि याद रखिएगा कि जब भी हम सोसाइटी को जब एक्सप्लेन करते हैं तो एक फैक्टर्स आपने माइंड में रखना है, वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर या याद रखिएगा सीक्वेंस। क्या चीज है? ऑर्डर या सीक्वेंस, या एक और वर्ड आपको देता हूं, स्टेबिलिटी। एक और वर्ड है, स्टेबिलिटी। अब ऑर्डर, सीक्वेंस, स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? ऑर्डर का मतलब है कि सारी चीजें ऑर्डर में हो, ठीक है। अब ऑर्डर में कैसे होंगी? कि फीमेल का अपना एक ड्रेसिंग सेंस होगा, मैन का अपना होगा, बच्चों का अपना होगा, बड़ों का अपना होगा। जब आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होंगे तो एक ऑर्डर वे में, आप जाने से पहले घर में सलाम करते हैं, ऐसे ही सलाम करते हैं? जी सर, ऐसे। आप कभी जाके नमस्ते तो नहीं बोलते? नहीं सर। क्यों नहीं बोलते? सर जो तुम्हारे वो है नहीं, कल्चर में नहीं है। अब आपकी आपकी सोसाइटी में वो चीज प्रैक्टिस नहीं हुई, तो अगर आपके घर में कोई आकर अगर आपको नमस्ते बोलता है तो आप उसको वालेकुम सलाम नहीं कह सकते। जी सर। अब आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी ऐसा इवेंट आपके सामने आ गया तो चीज वो ऑर्डर में नहीं है, वो डिसऑर्डर हो गई है, और वो ऐसी डिसऑर्डर हुई है कि आपसे आंसर भी नहीं बन पा रहा। जी सर। ठीक है, अब कोई फॉर एग्जांपल आपसे कहे कि मस्जिद में जाके दुआ करते हैं, वुड इट बी इजी फॉर यू टू गो एंड डू एनी काइंड ऑफ अ प्रेयर? जी सर, मस्जिद में इजी होगा आपके लिए? जी सर। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे कि मंदिर में चलते हैं और मंदिर में जाके तुम खुदा से दुआ करो, अगेन विल इट बी इजी? नहीं सर, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीज अब ऑर्डर में नहीं है। जब चीज ऑर्डर में होगी, ऑर्डर का मतलब यह है कि जब आपका माइंड किसी चीज को एक्सेप्ट करता है तो आप फिर वो काम करते हैं, जिस चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता तो आप वो फिर काम नहीं कर सकते। और आपका माइंड किस चीज को एक्सेप्ट करता है? जब आप किसी भी चीज, अब वो माइंड कैसे एक्सेप्ट करेगा? हर वो चीज जहां पर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होंगे, आर्ग्यूमेंट्स कौन से होंगे? जहां पर आपका रिलीजन एग्री करेगा, आपका कल्चर एग्री करेगा, आप वो काम कर लेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर।
अब ऑर्डर का क्या मतलब है कि हर वो चीज जो आपका कल्चर और आपका रिलीजन एक्सेप्ट करे, वो चीज आपकी सोसाइटी में बिल्कुल ऑर्डर में है। तो जो चीज ऑर्डर में होगी तो आप क्या कह सकते हैं, नाउ वी कैन काउंट इट एज आवर सोसाइटी। गेटिंग माई पॉइंट? जी सर, अच्छा, अब कल्चर में ऐसा नहीं होता। अब मैं सिर्फ कल्चर में आ जाऊं, सोसाइटी में तो ओके फाइन, कल्चर में ऐसा नहीं होता। कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। अब कल्चर होता क्या है, कल्चर भी कंस्ट्रक्टेड है। क्या है? कंस्ट्रक्टेड है। अब कल्चर भी क्या है, कंस्ट्रक्टेड है। अब ये कंस्ट्रक्टेड है, अब कंस्ट्रक्टेड ये बेस्ड करता है तीन हिस्सों के ऊपर। नंबर वन है हमारे पास रोल, नंबर सेकंड है हमारे पास वैल्यूज, और नंबर थर्ड है हमारे पास नॉर्म्स। रोल, वैल्यूज एंड नॉर्म्स। अच्छा, आगे जाने से पहले अभी मुझे फैज आप ये बताएं कि आप को अभी तक लेक्चर सारा क्लियर है कि जी सर, जी सोसाइटीज हमने सोशली कैसे कंस्ट्रक्ट की और हम फिर कल्चर की तरफ कैसे आए। जी ठीक हो सर, गया। अच्छा, अब मैंने तीन टर्म्स आपके सामने लिखी हैं, मैं दोबारा लिख रहा हूं वन बाय वन। हमारे पास नंबर वन है रोल। अब रोल क्या है, मैं एक एक वर्ड लिखूंगा फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब रोल को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारे पास है बेस्ड ऑन द लेबल, बेस्ड ऑन नेम और लेबल। अब बेस्ड ऑन द नेम और लेबल, लेबल में क्या फर्क है, इसका क्या मतलब है। अब फॉर एग्जाम्पल फैज, आप सुनते हैं कि एक टीचर है। अब आपके माइंड में क्या आएगा कि टीचर को एक स्पेसिफिक वे में बिहेव करना चाहिए। आप किसी टीचर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहा हो, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते उसे। नहीं क्यों? बिकॉज ऑफ हिज रोल। अब कोई डॉक्टर है और इमरजेंसी हुई है और वो डॉक्टर कहे कि नहीं मैं नहीं आता, अगर पेशेंट की डेथ होती है तो हो जाए, आप ये चीज एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सर। क्यों? बिकॉज ऑफ द रोल नेम। जब भी रोल का नेम आता है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज घूमने लग जाती हैं आपके माइंड में। ऐसी बात है। सर अब ये हो गया रोल। अब रोल दूसरा कैसे डिवाइड करते हैं, ये तो हो गया बेस्ड ऑन द नेम। आप कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि, अब जैसे टीचर है तो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि ही और शी शुड बिहेव लाइक दिस। ऐसी बात है। ये जी तो हो गया सर, बेस्ड ऑन द नेम और लेबल। अब दूसरा क्या है कि इट मस्ट हैव अ रिलेशनशिप्स विद अदर रोल्स, इट मस्ट हैव रिलेशनशिप विद अदर रोल्स। अब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, लेबल तक तो ठीक है, टीचर है, ठीक है, तो आपके माइंड में एक चीज आएगी, पुलिस है, ठीक है, डॉक्टर है या जज है, जो भी है, जो भी रोल्स है, आपके माइंड में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं कि यार इसको ऐसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है, इसको ऐसा एक्ट करना चाहिए। अब नेक्स्ट मैंने बोला इट मस्ट हैव रिलेशनशिप विद रोल्स, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी जिसको हम कह रहे हैं टीचर है, तो पार्टी बी देयर मस्ट बी स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स नहीं होंगे तो फैज मुझे बताएं क्या टीचर होंगे, नहीं और अगर टीचर्स नहीं होंगे तो क्या स्टूडेंट्स होंगे। तो सर, नहीं रोल क्या है कि रोल बेसिकली एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। तो पार्ट ए, आप टीचर से तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका कुछ सडन बिहेवियर्स होंगे, सेम आप एक्सपेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स के साथ भी। अब आप कोई स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टूडेंट से क्या बोलेंगे, आप स्टूडेंट से बोलेंगे
गिव रिस्पेक्ट टू योर टीचर्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ऑलवेज बी पोलाइट विद योर टीचर्स, ऐसी बात है. जी सर. अब हमने बेसिकली रोल में देखा क्या है कि रोल्स, जब भी आपके माइंड में कोई चीज आती है, किसी एक पोजीशन का नाम आता है, तो ऑटोमेटिकली आप उससे कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिहेवियर उससे एक्सपेक्ट करते हैं. ये तो हो गया रोल्स. नंबर सेकंड, मैंने आपको बोला था वी हैव वैल्यूज. क्या है हमारे पास? वैल्यूज. अब वैल्यूज क्या है? वैल्यूज बिलीव्स और द आइडिया दैट आर इंपॉर्टेंट टू द पीपल हु होल्ड देम. अब आपको कोई बिलीफ है, ठीक है, मैं आपसे कहता हूं फैज, जस्ट एग्जाम्पल के यहां पर मैरिज सिस्टम नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए ओपन रिलेशनशिप. आप मुझे बताएं, क्या आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे? नहीं सर. व्हाई? सर जी तुम्हारे रिलीजन में ये नहीं है, कल्चर में भी नहीं है. आपका रिलेशनशिप के बिलीफ मामले में एक बिलीफ है जी सर. और आप कहते हैं कि वही रिलेशनशिप होता है जिसमें शादी होती है. जी सर. ऐसी बात है. ऐसे ही. अब वैल्यूज क्या है? वैल्यूज आर योर बिलीफ और वो आपके नजदीक बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. समझ रहे बात? जी सर. क्या है आपके नजदीक? बड़े वैल्यूज मार इम्पोर्टेंट. बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब वैल्यूज को भी हम दो हिस्सों में एक्सप्लेन करते हैं. नंबर वन, अब कुछ हमारे प्रिस्क्राइब्ड बिलीव्स होते हैं, ठीक है, जो हमें गाइड करते हैं कि आपको इस तरह से बिहेव करना है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, फैज, मैं अगर आपसे कहूं कि आप पब्लिक प्लेस पे जाएं और एक 80 साल का एक 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 बुजुर्ग इंसान है और जाकर उसके मुंह पे थप्पड़ मार दें, आप करेंगे ये बात? नहीं सर. क्यों? फिर उनके बुजुर्ग हैं, हमारे ये बिलीव्स में नहीं है, वैल्यूज में नहीं है. आपके बिलीव्स में नहीं है, आपके वैल्यूज में नहीं है, और आपकी सबसे बड़ी बात, आपको फैमिली ने ये चीज सिखाई नहीं है. सिखाई नहीं. ठीक है. अब होता क्या है, आपके कुछ, अच्छा, इन केस मैं आपको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करता हूं. फैज, मैं आपसे कहता हूं कि जस्ट इन केस एक सिचुएशन बन गई है कि पब्लिक प्लेस पे अगर उसी 80 साल बुजुर्ग ने आपके साथ कुछ हार्श लैंग्वेज यूज कर दी है, तो क्या आप फिर भी शट अप कॉल नहीं करेंगे उनको? नहीं सर. नहीं करेंगे. अब होता क्या है फैज, कि कुछ बिहेवियर्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, आपके आपके कुछ बिलीव्स हैं जो आपको गाइड करते हैं. क्या करते हैं? गाइड करते हैं टू बिहेव इन अ सर्टन वे. समझ रहे बात? जी सर. अब वो बिलीव क्या है? वो आपकी वैल्यूज हैं. आप कहते हैं मेरी वैल्यूज में नहीं है. जब आप ये वर्ड यूज करते हैं मेरी वैल्यूज में नहीं है, इसका मतलब है आप कहते हैं मेरी तरबियत में नहीं है. अब मैं पूछूं आपकी तरबियत में क्या है, तो आप मुझे कुछ चीजें अपने कल्चर की बताएंगे, कुछ अपनी फैमिली की बताएंगे, कुछ आप मुझे अपने रिलीजन की बताएंगे. जी सर. तो अब ये जो आपका एक बिलीफ है, ये जो आपकी वैल्यूज हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं टू बिहेव इन अ सर्टन वे, कि अगर पब्लिक प्लेस पे किसी ने अगर हार्श लैंग्वेज यूज कर दी है, तो आपने हार्श लैंग्वेज यूज नहीं करनी. जी सर. दिस इज नोन एज वैल्यूज. क्या बोलते हैं इसको? वैल्यूज. वैल्यूज. गुड. नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? नंबर सेकंड है, वैल्यूज प्रोवाइड ओनली ब्रॉड गाइडेंस फॉर द रोल बिहेवियर. फॉर एग्जाम्पल, इट इज अंडरस्टूड दैट समवन प्लेइंग द रोल ऑफ द टीचर शुड टीच, बट वैल्यूज डू नॉट टेल देम हाउ टू प्ले दिस रोल. ठीक है. सो द स्पेसिफिक बिहेवियर गाइड्स दैट टेल पीपल हाउ टू सक्सेसफुली प्ले रोल आर नोन एज नॉर्म्स. अच्छा, अब मैंने आपसे बोला
जैसे वैल्यूज हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर आप टीचर हैं, क्या हैं? टीचर टीचर हैं, तो आप क्या पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे? नहीं सर। नहीं करेंगे। आप क्लास में खड़े होकर अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करेंगे? नहीं सर। आप क्लास में खड़े होकर बच्चों का टाइम जाया करेंगे? आप उनको नहीं पढ़ाएंगे? नहीं सर। अच्छा, अब होता क्या है कि वैल्यूज जो है ना आपको, वो आपको बताती हैं कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ टीचर, व्हाट आर द रोल ऑफ टीचर। समझे बात? सर। आपको आपका रोल भी बताते हैं, ना सिर्फ आपको गाइड करते हैं बल्कि आपको रोल भी बताते हैं कि इस टाइम पे आपने कैसा बिहेव करना है। ये दोनों चीजें आप कहां से सीख रहे हैं? यू आर लर्निंग इट फ्रॉम द टर्म्स वैल्यूज। समझे बात को? जी सर। अच्छा, थर्ड वन हमारे पास है वो है नॉर्म्स। अब नॉर्म्स क्या होती है हमारे पास? नॉर्म्स सोशली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बिहेविंग, सोशली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बिहेविंग। ठीक हो गया, सोशली एक्सेप्टेबल ऑफ वे ऑफ बिहेविंग बिहेविंग। अब आप कोई भी एक्ट करते हैं, क्या वो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती? नहीं सर। ठीक है, कोई भी एक्ट आप करते हैं, अगर तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करती है तो आप कह सकते हैं कि दीज आर द नॉर्म्स ऑफ माई सोसाइटी। मैं आपसे कहता हूं कि हमारी सोसाइटी में फीमेल नेकेड घूमना शुरू कर दें तो सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करेगी? नहीं सर। क्यों? सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि एक फीमेल एक प्रॉपरली एक अबाया पहन के अपने आप को कवर करके सोसाइटी में आती है, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करेगी? जी सर। अब ये उसका जो एक्ट है वो सोशली एक्सेप्टेबल है। सो ऐसा कोई भी एक्ट जो सोशली एक्सेप्टेबल हो, हम उसको बोलते हैं नॉर्म्स। क्या बोलते हैं? नॉर्म्स। नॉर्म्स। अब मैंने आपको बोला था कि आप कल्चर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो फैज आप कल्चर को तीन हिस्सों में डिफाइन करते हैं, और यू कैन से कल्चर, मैंने आपसे कहा था इट्स अ वे ऑफ लाइफ। अब वे ऑफ लाइफ कैसे है? वे ऑफ लाइफ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, रोल्स, वैल्यूज एंड द नॉर्म्स। समझे बात को? जी सर। आप जिस कल्चर में रहते हैं वहां पर आपका हर एक्शन, मैं यहीं से नीचे से स्टार्ट कर रहा हूं, आप जिस कल्चर में रहते हैं आपका हर एक्शन सोशली एक्सेप्टेबल है। एग्री करते हैं? जी सर। ओके। अब वैल्यूज क्या हैं? वैल्यूज ये हैं कि आप हाउ टू स्पीक विद अ वुमेन, हाउ टू स्पीक विद योर एल्डर्स वन, हाउ टू स्पीक विद योर यंगर्स वन, आपके कल्चर में ये सिखाया जाता है। वुड यू एग्री? जी सर। अगेन, वैल्यूज, नॉर्म्स, वैल्यूज और रोल क्या है कि आपकी सोसाइटी में टीचर का एक अच्छा खासा रोल है, इसको बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है उनके रोल्स को। वुड यू एग्री? जी सर। तो क्या हुआ, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, और वो वे ऑफ लाइफ किस चीज के ऊपर बेस्ड कर रही है? रोल, वैल्यूज एंड नॉर्म्स के ऊपर। फैज, समझ आ रही है बात यहां तक? फैज, मेरी आवाज आ रही है आपको? इधर आ रही है। ओके, यहां तक मुझे बताएं कोई इशू आपको? क्लियर नहीं सर। क्लियर है। है? शुरू से क्लियर है? जी सर। ओके। अच्छा, एक और चीज, आज के क्लास का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। हमने जितनी भी बातें की सोशलाइजेशन के ऊपर, क्वेश्चन ये बनता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन।
इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। मैंने जैसे आपसे कहा कि जब आप इंटरेक्ट करते हैं आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन होती है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है, तो सवाल यह कि सोशलाइजेशन की अहमियत क्या है, क्यों हम बार बार सोशली एक्ट कर रहे हैं, समझ आ रही है बात की? सोशली एक्ट करते क्यों है, क्या रीजन है? फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि सर मैं जब पैदा हुआ मैं अपनी फैमिली में हूं, ठीक है, तो अब मैं स्टेज पे हूं कि ना मुझे किसी इंसान के साथ इंटरेक्शन करनी है और ना मुझे किसी अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ करनी है, आई जस्ट वॉन्टेड टू गो टू द जंगल आई वॉन्ट स्टे माई रेस्ट ऑफ द लाइफ। जी सर, कह सकते हैं ना आप, एक हम जस्ट इमेजिन तो कर सकते हैं ना कि बाज का इंसान इस पोजिशन में आ जाता है, बंदा कहता है ना मुझे फैमिली से मिलना है, ना मुझे दोस्तों से मिलना है, इवन मुझे किसी भी इंसान से नहीं मिलना, ठीक है जी सर। अब यहां पर आएगी कि सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इसके अंदर दो टर्म्स है हमारे पास फैज, एक होती है नेचर, एक है टर्म नर्चर। अब नेचर क्या है? नेचर वो चीज है जो कि ऑटोमेटिकली आपके अंदर प्रोग्राम की गई है, ठीक है। अब नर्चर क्या है? जो कि आप खुद प्रोग्राम करेंगे। अब आपके अंदर नेचुरली तौर पर कौन सी चीज प्रोग्राम्ड है? नंबर वन आपका जेंडर, आप मेल या फीमेल में शिफ्ट नहीं करवा सकते खुद को, जो नेचुरली तौर पे आप हैं सो हैं। एग्री? जी सर। ओके, अच्छा, बायोलॉजिकली आपकी दो आंखें हैं सो हैं, आप उसको तीन नहीं करवा सकते। जी सर, ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ठीक है, यहां तक एग्री करेंगे। अच्छा, थर्ड मैं आपसे कहूं कि आपके इयर्स हैं, आप कहें मुझे दो नहीं मुझे एक चाहिए, अच्छा एक नहीं मुझे तीन चाहिए, नहीं, जो चीज नेचुरली तौर पे प्रोग्राम्ड है आपके अंदर सो वो है। एग्री? जी सर। ऐसे अब कुछ जेनेटिक्स है आपके अंदर, जेनेटिकली आप कुछ चीजें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अब वो जो चीजें हैं आपके अंदर वो आपको बताती हैं कि हाउ यू टू बिहेव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि फैज आप कभी मां नहीं बन सकते, आप बगैर सोचे समझे कहेंगे यस, क्यों? नेचुरली बात है, मैं नहीं बन सकता, क्यों? जेनेटिकली बायोलॉजिकली नेचुरली तौर पे आप वैसे ही प्रोग्राम किए गए, तो आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। यहां तो हो गया हमारी आर्गुमेंट्स नेचर के ऊपर। अब कुछ लोग कहते हैं कि हर चीज जो ना वो नेचुरली तौर पे है, जो इंसान बिहेव करते हैं वो नेचुरली तौर पे करता है, एक डिबेट इसके ऊपर होती है, एक होती है नर्चर। वो नर्चर क्या है कि जब इंसान किसी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है तब वो सीखता है। अब ये कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जब कोई इंसान पैदा हुआ है तो आपको क्या मालूम था कि उसकी लैंग्वेज क्या है, वो जिस फैमिली में पैदा हुआ है जिस किसी के साथ उसका पहला इंटरेक्शन हुआ है उसने वही लैंग्वेज सीखी है। एग्री करेंगे? जी सर। अब लैंग्वेज आपका नर्चर पॉइंट है, नेचर नहीं है। जी सर। फिर आपका फूड टेस्ट, मैं आपसे कहूं आप जाके स्नेक खा लें, वुड यू लाइक टू ईट? नहीं सर। अब फूड टेस्ट किसने डेवलप किया है? आपकी इंटरेक्शन ने, आपकी सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन का मतलब होता है इंटरेक्शन, ठीक है जी सर। अब जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं उसी ने आपको लैंग्वेज भी दी है, उसी ने आपको फूड टेस्ट भी दिया, इवन उसी ने आपको नाम भी दिया। अब इसमें से कोई भी चीज नेचुरली तौर पे नहीं है, ये नर्चर हुई है। आप शायद किसी और फैमिली में पैदा हुए होते उसके अकॉर्डिंगली होते, इसी तरह ऐसी है जी सर। अब सवाल ये पैदा होता है कि सोशलाइजेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी, कि कोई भी इंसान नेचुरली तौर पर कोई भी एक्ट नहीं करता, वो एक्ट करता है हमेशा अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंगली। जी सर। मैं आपको इस टॉपिक को वाइंड अप करवाने के लिए मैं आपको जस्ट दो एग्जांपल देता हूं जो कि आपकी बुक का भी हिस्सा है, सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, पेपर में कभी भी आता है तो आपको जस्ट ये चीज एग्जांपल्स याद रखनी है।
पहली एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, फेरल चिल्ड्रन, क्या है फेरल चिल्ड्रन, मैं आपको नाम दे रहा हूं फेरल चिल्ड्रन में, और वो नाम है मैथीन, MTHIYANE, मैथीन। अब मैथीन बेसिकली कौन है? अब मैथीन शी इज अ किड। अब ये बात हो रही है 1987 की, फैज आपने बड़ी गौर से सुननी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक स्टोरी दे रहा हूं। आपको पता है कि ये बच्ची 1987 के अंदर हर एज वॉज फाइव ईयर, ठीक है, 5 साल की, 1987 की बात है। आप जाके इसको यूट्यूब के ऊपर भी, गूगल के ऊपर ही इस नेम को सर्च करके आप एक लॉन्ग टर्म इसकी स्टोरी जो है ना, एक डिटेल में स्टोरीज को रीड कर सकते हैं। अब मैथीन बेसिकली क्या था कि जब ये पैदा हुई ना, तो इसको जंगल में फेंक दिया गया, ठीक है। अब जब जंगल में फेंक दिया गया तो इसके जो एनवायरमेंट जो था, जो इसकी सोसाइटी थी, उसमें इंसान नहीं रहते थे, उसमें मंकीज रहते थे, उसमें एप्स रहते थे, ठीक है। तो जब 5 साल के बाद देखा गया, तो आपको पता है कि वो जो बच्ची थी, शी वॉज जंपिंग लाइक अ मंकीज ऑन टू द ट्रीज, वो बंदरों की तरह जंपिंग कर रही थी दरख्तों के ऊपर, एक दरख्त से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और उसका उठना बैठने का स्टाइल जस्ट लाइक अ मंकी था। अब आप कह सकते हैं कि व्हेन यू हैव इनकम्प्लीट इंटरेक्शन और व्हेन यू हैव नो इंटरेक्शन और नो कनेक्शन विद द ह्यूमंस, तो आप क्या है फिर, अपनी सोसाइटी के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को एडजस्ट कर जाते हैं। इट्स अ ह्यूमन नेचर, जी सर, ह्यूमन नेचर। अब ह्यूमन नेचर क्या है कि आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इंसान बड़ा फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अभी मैं अगर आपसे पूछूं फ्लेक्सिबल कैसे बनाया गया है, तो फैज अगर आप जिस जगह पे रहते हैं तो वहां पर अगर आप नोट करें तो शायद आपकी ठंड जो है वो 5 डिग्री तक भी जाती हो, 2 डिग्री तक भी जाती हो, माइनस में भी जाती हो, ऐसी बात है जी सर, ऐसे आप जिस घर में रहते हैं वहां पर माइनस में भी टेम्परेचर जाता है, एक टाइम आता है, और एक टाइम आता है जब वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी जाता है, यानी कि पीक ठंड भी होती है और पीक गर्मी भी होती है। अब आप नर्चर नहीं हुए, ये नेचुरली तौर पे आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जिस जगह रहते हैं कुछ देर वैसे ही एडजस्ट हो जाते हैं, जी सर, समझ रहे बात। अब फ्लेक्सिबिलिटी इस बच्ची के अंदर क्या थी कि इसने अपनी सोसाइटी को क्या किया, अपनी सोसाइटी, अपने आप को सोसाइटी के हिसाब से एडजस्ट किया, और वो एडजस्ट नेचुरली तौर पे है। और नर्चर क्या हुआ कि वो सारे जो उसके एक्शंस थे वो क्या थे, वो मंकीज की तरह थे। गेटिंग माय पॉइंट, जी सर। तो अब आप समझ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ द सोशलाइजेशन क्या है, कि आप इंसान की सोसाइटी में अगर आपको इंसान भी बनना है तो आपको इंसान के साथ इंटरेक्शन करनी होगी, जी सर। एक और एग्जांपल आपको देता हूं सेम आपकी बुक के अंदर, वो है जेनी, जेनी, JGENIE, और कैलिफोर्निया से, शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, 13 years old from California in 1970. अब था क्या कि इसके पेरेंट्स इसको आइसोलेट कर दिया, जब ये इसकी पैदाइश हुई तो इसके पेरेंट्स ने क्या किया, इसको आइसोलेट कर दिया। जब इसको आइसोलेट किया गया फैज, तो हुआ ये कि अब चूंकि आइसोलेशन के अंदर है, तो अभी ये उस स्टेज पे नहीं थी कि इसको पता हो कि मुझे कौन सी लैंग्वेज दी गई है। होता है ना, बच्चे के साथ बात की जाती है एक एक सडन वे में, एक बच्चे को सिखाया जाता है, इसको आप पापा बोलें, इसको मामा बोलें, ठीक है, बच्चे को ना, बच्चे के कान में कुछ लैंग्वेज डाली जाती है, कुछ वर्ड्स डाले जाते हैं, फिर वो उसको कॉपी करता है, स्टार्ट में उसको कॉपी करवाया जाता है, पापा बोलो, मामा बोलो। ये क्या होता है, ये इंसान की एक
एक सर्कल चल रहा होता है, एक सोशलाइजेशन चल रही होती है। तो इस बच्ची के साथ ये हुआ कि इसकी सोशलाइजेशन नहीं हुई, मतलब इसने कोई वर्ड नहीं सुना था। तो हुआ ये कि जब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आफ्टर द इयर्स ऑफ 13, जब इस बच्ची के साथ इंटरेक्ट किया गया, तो आपको पता है कि ये बच्ची प्रॉपरली स्टैंड नहीं कर सकती थी। शी कुड नॉट स्टैंड इरेक्ट, शी वॉज अनएबल टू इवन स्पीक, शी कुड ओनली विम्पर। वो जस्ट सिसकियां ले सकती थी, इवन वो कोई जबान नहीं बोलती थी। क्यों? उसको लैंग्वेज नहीं आती थी। तो यहां एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि नेचुरली तौर पे आपकी कोई लैंग्वेज नहीं होती, आप लैंग्वेज भी सीखते हैं जब आप इंटरेक्ट करते हैं। जी सर, मैं फैज आपको इंग्लिश कम्युनिटीज में भेज देता हूं, 6 मंथ के बाद आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी, अगर आपने एक वर्ड भी इंग्लिश का ना सुना हो तो। क्यों? सर क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हैं, जब आप लोगों के साथ मिलते हैं ना, तो आप जोर जबरदस्ती वर्ड यूज करते करते अल्टीमेटली वो चीज आपको आ जाती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, कि कुछ इंसान नेचर तौर पे होता है, कुछ इंसान नर्चर करता है चीजों को। इन द ऑर्डर टू बिकम अ ह्यूमन, सो यू नीड टू बी सोशलाइज्ड पर्सन। मैं आपको जस्ट एक फिलोसफी की एक डेफिनेशन दे रहा हूं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन ये है कि व्हाट इज ह्यूमन, व्हाट इज ह्यूमन। अब ह्यूमंस को फैस 3 हिस्सों में डिफाइन किया गया है। नंबर वन, ह्यूमन इज अ स्पीकिंग एनिमल। ह्यूमन इज अ स्पीकिंग एनिमल। स्पीकिंग एनिमल। ह्यूमन इज अ थिंकिंग एनिमल। ह्यूमन इज अ थिंकिंग एनिमल। देन ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। ये बात याद रखिएगा, हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ह्यूमन क्या है? इज अ सोशल एनिमल। तो मैं अगर आपसे कहूं फैज के, जब आप किसी के साथ सोशल नहीं होते, मतलब आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, जब आप ये वर्ड अपनी लाइफ से स्किप करते हैं, तो पीछे क्या बच जाता है? सर पीछे फिर आप जी खाली स्पीकिंग और थिंकिंग एनिमल ही रहेंगे। नहीं, आप ये थर्ड पोर्शन के ऊपर फोकस करें, क्योंकि ये हमारी स्टडी का हिस्सा है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पीकिंग एंड द थिंकिंग एनिमल। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप सोसाइटी में, जब आप अपनी लाइफ से सोशल हो, तो पीछे क्या बचता है? एनिमल। जैसे हमने इन दो बच्चों के बारे में देखा कि वो इंसान कैसा एक अपनी लाइफ गुजारता है, उसको भूल चुके थे। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेक्शन खत्म हो गया था। तो जब आपके पास कोई इंटरेक्शन नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं? फेरल। तो मैंने जो आपको एग्जांपल दी, दे आर नोन एज फेरल चिल्ड्रन। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर। अब लास्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी के अंदर, वो ये कि चिल्ड्रंस सोशली सोशियोलॉजिकली सिग्निफिकेंट क्यों होते हैं? एक रीजन ऐसा क्यों होता है फैज, नंबर वन, एक तो ये है कि व्हेन चिल्ड्रन रेज्ड विदाउट ह्यूमन, क्या होते हैं? विदाउट ह्यूमन, विदाउट ह्यूमन। नंबर सेकेंड, बच्चे करते हैं कॉपी, तो जो अच्छा है जो बुरा है उन्होंने कॉपी करना है, कॉपी करना। तो वो अगर कॉपी इंसान को करें तो इट्स मच बेटर, लेकिन जब वो रेज्ड होते हैं विदाउट अ ह्यूमन, लेकिन उन्होंने कॉपी तो करना है, कॉपी करना इट्स अ नेचुरल एलिमेंट। तो जब आप क्या करते हैं, जब आप विदाउट अ ह्यूमन, जब आपकी नर्चरिंग पॉइंट खत्म होता है लेकिन नेचर पॉइंट काम करते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? यू बिकम अ फेरल चिल्ड्रन। गेटिंग माय पॉइंट? जी सर।